आपने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है, क्या आपकी महाराष्ट्र को लेके या देश को लेके क्या आपकी योजनाएं हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, अमित शाह जी, हमारे महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, मेरे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत जी, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। क्योंकि धन्यवाद इसलिए दूंगा कि देश को आज़ादी मिली है तब से थाने जिले में केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई भी प्रतिनिधित्व किसी ने कभी किया नहीं, कोई किसी भी पार्टी ने किसी को मंत्री बनाया, ये पहली बार मुझे मंत्री बनाया गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जितना भी धन्यवाद दो उतना कम है, पोर्टफोलियो कोई भी आने दो, लेकिन जनता की सेवा करने का मौका मुझे जो मिला है, निश्चित तौर पर इस संधि का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक केंद्र की योजनाएं पहुंचाने का काम करूँगा।